For the first time, best friends Shama Sikander and Gaurav Chopra will be seen together in Shama's home production Ab Dil Ki Sunn, which is based on her real-life incidences turned fictional. The two spoke about their roles and coming together for the fifth episode titled Acceptance. Let's hear from the pair on what they had to say. Actually, मैंने अपनी लाइफ में सीखा कि हम बहुत कमजोर हैं एक्सेप्ट करने में. ह्यूमैनिटी जो है बहुत कमज़ोर है. जब भी कोई बात ऐसी आती है, एन एक्सेप्टेंस इज़ एक्चुअली द बिगेस्ट की टू सक्सेस. जब आप एक चीज़ें एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं लाइफ को एज इट इज़, तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है. इट बिकम्स वेरी सिंपल. एंड हमने बहुत छोटी सी बात यहाँ बोलने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने ये सीखा है लाइफ में कि सब सिखाते हैं सच बोलो सच बोलो सच बोलो, लेकिन सच सुनना कोई नहीं सिखाता. तो हमें आता ही नहीं है सच को कैसे सुना जाए और कैसे लिया जाए. हमें सिर्फ हम सिर्फ दूसरों से उम्मीद करते हैं भाई तुम सच बोलो, बट हमारा खुद का कुछ पता नहीं. सो आई थिंक जब हम खुद इतनी सच 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 डिमांड करते हैं, तो हमें सच को देना भी और सच की तरफ अपना एक्सेप्टेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है. सो दैट वॉज द थॉट बिहाइंड दिस. और मुझे लगा कि जब ये मैं फिल्म के बारे में सोच रही थी, तो बहुत सारे रिलेशनशिप्स बन रही थी, टूट रही थी, यू नो, रिलेशनशिप के बारे में ही हो रहा था. मैंने कहा यार ये बहुत ही सिंपल बात है कि जब एक रिलेशनशिप इतना छोटा सा सच जो इतनी बड़ी वजह बन जाता है किसी बहुत बड़े दरार की, तो क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. ये सवाल हमारा ऑडियंस से होना चाहिए कि भाई आप सोचिए कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. सो दैट्स हाउ द आइडिया ऑफ एक्सेप्टेंस केम. एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड, यू नो, समबडी जिसके साथ मेरी बहुत अच्छी केमिस्ट्री हो, बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले एक बहुत अच्छी दोस्ती हो, जिसके साथ मैं बहुत ही अच्छे से कर पाऊँ इसे. ना कि बिकॉज हमारे शूट एक ही दिन की होती है, यू नो, सो हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम अपनी केमिस्ट्री बनाएं फिर जाने फिर पहचाने एंड ऑल दैट. एंड व्हेन आई कुड थिंक ऑफ समबडी हु कैन मैच माय पर्सोना, देयर वाज ओनली गौरव. कहानी एक बहुत, चाहे छोटी कहानी है, बट एक बहुत रेलेवेंट बात कह रही थी. एंड आई थिंक इस तरह की बातें और कही जानी चाहिए. और जिस नीयत से शमा इन बातों को लोगों के सामने रख रही हैं, वो नीयत इतनी पाक इतनी साफ़ है दैट मेरे लिए उसमें हिस्सा बनना या इनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ को जोड़ना या यू नो कोशिश करके इनका हाथ बटाना वाज समथिंग दैट आई वुड रियली वांट टू डू. एंड एक और अच्छी बात जो इनमें है, जो हमारी कॉन्वर्सेशन में हमेशा होता है, वो ये कि ये बातें फॉर्मेलिटी सेक जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट नहीं कहती. शी एक्चुअली बिलीव्स इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो इन सब फिल्मों में जो भी ये बातें कह रही हैं, ये वो हैं जो सचमुच इनके दिल से निकली हैं. एंड सो फॉर मी टू यू नो रेजोनेट दैट इनसे कि हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ, वाज क्वाइट इजी.